1:4 एक बढ़ रहा है तो चार स्टॉक्स गिर रहे हैं। 80% बाजार लाल निशान में कामकाज करता है और सुबह से अब तक की लकीरें वॉर्म्स को देखिए आप कैसे बदल गई है तस्वीर। गिरने वाले शेयर वो रेड से रिफ्लेक्ट होते हैं, बढ़ने वाले ग्रीन से, वो गिरते ही चले जा रहे हैं, ग्रीन वाले ठंडे पड़ रहे हैं, रेड वाले बढ़ते चले जा रहे हैं। दिखा रहा है ब्रेथ किस तरह से वीकन होती हुई इस समय भारतीय बाजारों की। और अब हम मीनिंगफुल लेवल्स पे 15550 15560 के आसपास के जोन्स पर काम कर। कविता जी तो आधा दिन भी नहीं टिका, क्या करना है इस बाजार में? यस आशीष जी, सो रेड रेड रेड, मैं भी कुछ ग्रीन कैंडल देखने की कोशिश कर रही हूँ कि कहीं मुझे दिखे। बट थिंग इज दैट कि निफ्टी और बैंक निफ्टी आज जो इम्पोर्टेंट लेवल था 15650 का, वंस वो टूटा उसके बाद डेफिनेटली एक ट्रेड बना था जहाँ एज 0-0 कॉल हम लोग अरिहन पे शेयर भी किए। बट मीनिंगफुली अगर अभी हम देखें जो ओआई कॉन्सेंट्रेशन देख रहे हैं तो 15500 पर हमें अभी फिलहाल पुट राइटिंग की कुछ पोजिशन दिखती है। अगर वो वहां पर टिकता है 15000 का लेवल, आई मस्ट से इट इज सो 15000 का लेवल, और अगर टेक्निकली देखें तो इट इज 15030 का लेवल हम देख रहे थे, 15530। तो 15500 के लेवल अगर यहाँ से टूटते हैं तो फर्दर बिकवाली हम आते हुए देखेंगे, जहाँ मुझे लग रहा है फिर ये अपने वीकली एवरेज सपोर्ट, 100 वीक एवरेज सपोर्ट जो आता है वो होता है 15320 का लेवल, उस तरफ बढ़ते हुए देखेंगे। बट आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए इम्पोर्टेंट है कि हम 15500 के लेवल को डिफेंड करें। अगर वो टूटता है तो फर्दर बिकवाली की तरफ नजरिया रहेगा, पुल बैक ट्रेड आ सकता है। 15500 के लेवल अगर डिफेंड होते हैं तो इट इज पॉसिबल कि हम 15620 की तरफ एक पुल बैक ट्रेड आते हुए देखें। पर मीनिंगफुली टेक्सचर जो है वो पूरा वीक है, और अंटिल एंड अनलेस 15718 के ऊपर अगर हम आज क्लोजिंग नहीं देते हैं तो सेल ऑन राइज का मार्केट बना हुआ रहेगा। दैट इज आवर टेक। इंटरेस्टिंग। तो भैया अगर हमने डिफेंड कर लिया 15500 का तो फिर भी कुछ अपटिक्स देखने को मिले, अदरवाइज दिक्कत वाला बाजार तो खैर दिख ही रहा है। हर टिक के साथ कमजोरी बढ़ रही है, 3/4% का निफ्टी पे दबाव। इस समय जो एडिड प्रेशर वाले स्टॉक्स निफ्टी के हैं वो दिखाता हूँ स्क्रीन पे। कोल इंडिया लेकर आई है स्क्रीन पर, अब 2.5% का दबाव और पिटाई बढ़ रही है कोल इंडिया की इस समय। ये देखिए दिन के लोस पर आईटी, आज सुबह सब चर्चा में थे और बात कर रहे थे आईटी में रिलीफ आएगा आएगा, लेकिन कुछ नहीं, वो आया था सब पस्त पड़ गया। अब तो विप्रो जरा स्क्रीन पर लेकर आइए, आईटी का लार्ज कैप्स में सबसे वीकेस्ट विकेट और अब 2.5% से ज्यादा का दबाव विप्रो दिखाता हुआ लोस पे मूव कर गया। टाटा मोटर्स स्क्रीन पर लेकर आइए और हीरो मोटोकॉर्प, दोनों 2-2.5% का दबाव झेल रहे हैं। ये अब मारुति जबकि चला है आज, अभी भी मेरे ख्याल से मारुति लास्ट मैंने देखा था, एक मिनट देखता हूँ, मारुति अभी भी ग्रीन में था। हाँ मारुति निफ्टी का टॉप गेनर बना हुआ है, लेकिन वो ठंडा वो भी पड़ा ऐसा नहीं है। मारुति है, आईसीआईसीआई बैंक है और आईटीसी, ये हैवी वेट्स में फिर भी इन ग्रीन, बाकी सब गिर गया है।